हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरोडनिया कश्यप मानस जुबलस वन एफ पी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं साइंस का चैप्टर 8 प्रकाश छाए एवं परावर्तन। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कार, बस, साइकिलें, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। और आपके विचार से हम इन वस्तुओं कैसे देखते हैं? रात्रि के समय जब हम पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए, आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। अगर आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तब आपको कैसा क्या दिखाई देता है? क्या आप कमरे में रखी हुई किसी वस्तु को देख सकते हैं? देख पाते हैं, लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब का ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देती है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकार में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश का दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश ये इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आँखों की ओर आता है। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषी वस्तुएं क्या चीज़ होती हैं? याद कीजिए, हमने अध्याय 2 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभाषी के रूप में समूहों में बांटा है। आगे स्क्रॉल करके ऊपर की साइड पढ़ते हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु होती है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह उस वस्तु को अपने अंदर से होकर जाने देती है, ऐसी वस्तु पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तु से आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभाषी कहते हैं। एक्टिविटी 1 है, इसको आप खुद से रीड कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इस वीडियो में मेन टॉपिक कवर करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रही है, इसको आप खुद से कीजिए। चैप्टर रीड करेंगे। छाएँ वास्तव में क्या होती हैं? जो छायाएँ होती है, शेड होती है, वो क्या होती है वास्तव में? एक्टिविटी 2 है, आपको खुद से रीड करना है। एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं एंड ये एक्टिविटी आपको 3 नज़र आ रही है, इसको भी आपको खुद से रीड करना है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी 4 दिख रही होगी, इसको भी आप खुद रीड कीजिएगा। जैसे कि हमने बात की है मेन टॉपिक कवर करने की, तो हम सिर्फ मेन टॉपिक करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सूची छिद्र कैमरा, शायद आप यह सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। क्रियाकलाप 5 है, एक्टिविटी 5, इसको आप खुद से रीड कीजिए और नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए। आपको यहाँ पे कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। सर्पी सूची छिद्र कैमरा, ये कौन से कैमराज हैं? सर्पी सूची छिद्र कैमरा है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ये एक्टिविटी का पार्ट है, इसको खुद से रीड कीजिए। इस साइड आपको 6 में भी जो भी एक्टिविटी है वो खुद से, एक मिनट, हाँ 5 और ये 6 एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। आइए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। दर्पण तथा परावर्तन क्या चीज़ें होती हैं? हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तु का परावर्तन देखते हैं। एक्टिविटी 7 है, इसको स्टूडेंट्स आप खुद करिए। और ये एक्टिविटी 8 है, इसको भी आपको खुद से करना है रीड। नीचे आते हैं हमारे प्रमुख शब्द।
तो ये जैसे दीप्त दर्पण, अपारदर्शी सूचित क्षेत्र, कैमरा, परावर्तन, छाया, पारभाषी, पारदर्शी, इन सभी मेन पॉइंट्स के हमने कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन पढ़ लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। अब थोड़े से यहाँ पे हम सारांश पॉइंट ट्वीट करेंगे, मतलब मेन पॉइंट होता है, पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है एक तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पे अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, पारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने आप से होकर जाने देती है, और हम इनसे दूसरी और रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभाषी वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में होकर जाने देती है। जब प्रकाश के पथ का कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो छाया बनती है। साधारण सामग्री को सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है। इसका उपयोग सूर्य तथा अधिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में सहायता करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो ये थे हमारे सारांश पॉइंट इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर, मीन्स इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।